फ्रेंड्स सी, ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं कुछ जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपसे। इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स में आप देखिए, लगभग मैंने यहाँ पे 12 सेक्शन बनाए हैं। तो फर्स्ट टैक्सेशन से आता है, जो आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, रिग्रेसिव टैक्स क्या है, और रेट्रोस्पेक्टिवली किस तरीके से टैक्स बनाया जाता है, कंपनीज़ के ऊपर मैट कैसे लगता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, वैट क्या है, जीएसटी क्या है, आप जानते हो। इस अभी इसके ऊपर कोई भी गुड्स दे सकता है, जिस पे बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि इसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा। ऑक्ट्रोई क्या है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी कोई गुड्स को ले जाते हैं तो वो टैक्स लगता है। नेशनल इनकम सेकेंड, GDP, NDP, GNP, NNP, PCI है, आप जानते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं। PCI पूछा जाता है, पर कैपिटा इनकम, जो लगभग 111,000 था 2019 में। और पब्लिक फाइनेंस पे आते हैं, पब्लिक फाइनेंस में बजट है, रेवेन्यू डिफिसिट है, कैपिटल डिफिसिट पूछा जाता है, और इस तरीके से डेफिसिट फाइनेंसिंग में FRBM एक्ट क्या है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ, बैंकिंग में देखिए, NBFC क्या होता है, वो ये NBFC उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, बट क्रेडिट रेटिंग से क्वेश्चन आ सकता है। कैश रिजर्व रेशियो, MCLR, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड, कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेशियो, मुद्रा बैंक में शिशु, तरुण, किशोर क्या है और उसका क्या स्केल है। हार्ड मनी क्या है, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, ये सब हार्ड मनी है, अपना रुपया एक सॉफ्ट मनी है, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। FYPs, 5 ईयर्स प्लान्स के स्लोगन क्या थे, टारगेट क्या थे, और ये क्वेश्चन आ सकता है। HDI पे क्वेश्चन आता है, जो हमारा IMF HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है, क्या इंडेक्स है, उसमें क्या क्या स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंश्योरेंस में AICIL, आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड पे क्वेश्चन आ चुका है। PMFBY लाइक प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। एक्सटर्नल सेक्टर पे क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या मद हैं, क्या, और इंडस्ट्रियल में MSME का भी आप जानते हो बहुत चर्चा में रहा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इसके स्केल क्या हैं, कब माइक्रो, कब स्मॉल और कब मीडियम इंटरप्राइज माना जा सकता है, उसकी सीलिंग क्या है, प्राइस सीलिंग। और प्लानिंग में बात करते हैं, स्टेट में स्टेट प्लानिंग कैसी होती है, आपका सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है। फिर कैपिटल में आपका, जैसे मार्केट इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी अपना इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी है। इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आते हैं, इन्फ्लेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, लेंडर पे क्या इफ़ेक्ट है, क्रेडिटर पे क्या इफ़ेक्ट है, और उसका इकोनॉमी पे ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, गिनी इंडेक्स क्या है, तो स्क्यूफ्लेशन क्या है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वेरियस कमिटीज़ लाइक मल्होत्रा कमिटी ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, ये इंश्योरेंस के ऊपर बैठी थी, और सी रंगराजन कमेटी शायद बैंकिंग से रिलेटेड है, एक बार आप चेक कर लेना। बिमल जालन कमेटी तो अभी 2014-15 में ये नई सरकार ने बनाया था, जिस पे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को चेक करने के लिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को चेक करने के लिए बनाया गया था ये। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं और भी क्लास लेकर के आऊँगा डिटेल में आपके एग्ज़ाम से पहले, तो इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और क्योंकि ये सारे माइंड बॉगलिंग टॉपिक्स हो सकते हैं, और इकोनॉमिक्स वैसे भी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आपको गुस्सा आ सकता है, पर फिर भी मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और जिससे कि आप नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स होंगे उस पर डिटेल में देख पाएंगे आप। थैंक यू।